जय यीशु की। मैं आज आपके समक्ष 14वीं शताब्दी की संत रीता के जीवन पर आधारित कुछ विचारों को आपके सामने रखना चाहूँगा, और ये विचार आपके लिए और मेरे लिए आज के वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन में आने वाले समस्याओं का कैसे सामना करें, इस संत से और इस संत के मध्यस्थता से हम जीवन अच्छी तरह जीने के लिए सीख सकते हैं। 14वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इटली में धार्मिक और लौकिक समाज में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। लोगों का मानना था इनका एक ही समाधान जो प्रतिशोध या बदले की भावना से हो सकती है। इसके बीच में एक और एक तरीका अपना सकते थे लोग, वो है शांति स्थापित करना। इसके लिए ऊंचे आदर्श पुरुष या स्त्री की जरूरत थी। उस समय के कासिया धर्म प्रांत के उमरियान पर्वत शिखर के बीच में बसा हुआ ये गांव, जहां से संत रीता आती है, उनके माता पिता उस समाज के, समाज में कोई भी समस्या आती, झगड़ा होता या असमंजस में पड़ जाते, इस धार्मिक दंपति को बुलाया जाता और उनके द्वारा जो समाधान ढूंढा जाता था वो बहुत ही अच्छा था। ऐसे परिवार में, जो धार्मिक परिवार है, उनके परिवार में ये बच्ची जन्मी जिनका नाम है संत रीता। 18 वर्ष की उम्र में वो धर्म संगी जीवन अपनाना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता का सोचना अलग था। इसे अपने परिवार से दूर रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एकलौती बेटी थी। उनके उम्र में बढ़ने पर प्रार्थना के मध्यस्थता से ही ये बच्ची पैदा हुई, इसलिए माता पिता चाहते थे कि उनकी बच्ची उनके करीब रहे। बच्ची के इच्छा के खिलाफ उन्होंने बेटी की शादी एक ऐसे पुरुष से की जो शराबी था, क्रूर था, निर्दयी था, और वो अपने पत्नी यानी संत रीता को सताता था, और हर दिन वो अशांति में जीती थी। लेकिन उसने अपने विश्वास कभी नहीं खोया। प्रभु येसु के दुख भोग से प्रेरित ये संत हर समय पति को क्षमा करती और उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन ऐसा आया, वो दिन 20 साल बाद आया उनके वैवाहिक जीवन में, जब उनका पति का मन परिवर्तन हुआ। परिवर्तन वो जताने के लिए वो अपनी पत्नी यानी संत रीता के कदमों में गिरकर, पैरों में पड़कर उसने क्षमा याचना की। संत रीता के पति के मन परिवर्तन के बाद परिवार में शांति तो थी, प्रेम भी था। संत रीता उसके पति और उनके दो बेटों के साथ शांति से रह रहे थे, लेकिन ये अच्छा जीवन अल्पकालीन था, क्योंकि शहर में जो राजनीतिक माहौल था उसके उसमें फंसकर उसके पति की निर्मम हत्या उमरियान पर्वतों के बीच के एक रास्ते पे हुई। इस परिवार में फिर मातम छा गया, शोक मनाने लगे, लेकिन संत रीता एक धर्मी महिला होने के कारण उसने अपने पति के हत्यारों को क्षमा कर दिया और बेटों को भी प्रेरित किया कि वो अपने पिता के हत्यारों को क्षमा करें। लेकिन इस ये वयस्क बेटे प्रतिशोध की भावना लेते हुए पिता के हत्यारों को खत्म करके ही शांति पाएंगे, ये सोच के बैठे थे। संत रीता अपने बेटों द्वारा कोई भी अपराध या किसी की हत्या की जाए और पाप की अवस्था में ये जिए, ये सोच नहीं सकती थी। इसलिए संत रीता ने ईश्वर से प्रार्थना की,
हे पिता, इन बच्चों के हाथों में कोई भी पाप ना हो उससे पहले ही तू इस दुनिया से इन बेटों को उठा ले। और हकीकत में ईश्वर ने उन बेटों को भी इस दुनिया से बुला लिया। एक माता जो विधवा हुई पति को खोने पर, अब बच्चों के बिना अकेली रह गई, अब उसने ईश्वर को अपना संपूर्ण जीवन देना चाहा, इसलिए वो संत अगस्तीन की धर्म संगी परिवार में मिलना चाहती थी। उनसे जाके संपर्क करने पर उनको थोड़ी अड़चन हुई, धर्म संगी ने उनको वापस भेज दिया। फिर वो वापस आकर ईश्वर से प्रार्थना करती रही ताकि धर्म बहन के रूप में उसे स्वीकार करें, क्योंकि उनके आगे पीछे ना पति ना बच्चे ना माता पिता कोई नहीं। इसलिए जब धर्म संगियों ने उसका स्वागत किया, उसने गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताया। 40 साल उस धर्म संघ में वो सदस्य बनकर रही। वो जो कुछ प्रार्थना ईश्वर से करती थी, ईश्वर उसे पूरा करता था। इसलिए संत रीता को असंभव की संत या शांति कर्ता के रूप में हम जानते हैं, कलीसिया मानती भी है। उन्होंने प्रार्थना की, क्रूस पर यीशु को देखकर कहा, आपके कांटों के मुकुट से एक कांटा मेरे सिर को लगे। प्रार्थना करते समय उस मुकुट से एक कांटा आकर उनके सिर में घुस गया और वो घाव कभी चंगा नहीं हुआ। उस समय तक जब पूरे समुदाय की बहनें संत को घोषित करने के लिए, किसी की मिस्सा थी उसमें जाने के लिए इसकी भी इच्छा थी, लेकिन सिर में घाव होने के कारण वो जा नहीं पाई। प्रभु से उसने प्रार्थना की कि मुझे भी जाना है। 90 किलोमीटर पैदल जाने के रास्ते चलने के लिए वो तैयार हुई 60 साल की उम्र में। ईश्वर ने उसकी इच्छा पूरी की और जीवन के अंत में जब वो मरने वाली थी, उसने अपने धर्म बहनों को बुलाकर कहा, यीशु के प्यार में हमेशा रहा करो, कलीसिया के प्रति आज्ञाकारी बना रहो। संत रीता 14वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में पैदा हुई और 15वीं शताब्दी में यानी 1457 22 मई को उनका स्वर्गवास हुआ। वो एक बहुत ही अच्छी स्त्री थी, विधवा हुई और उसने धर्म संघ में प्रवेश करने के बाद इस तरह का जीवन उन्होंने व्यापन किया। आज हमारे लिए ये वो एक आदर्श महिला है, संत रीता। असंभव की संत कहलाती है क्योंकि ऐसे कार्य जो कभी सोच नहीं सकते, हम असंभव करके छोड़ते हैं, वो इनके मध्यस्थ द्वारा संभव होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मरने के समय उनके गांव से कोई महिला मिलने के लिए आई थी, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिताजी के गांव जाकर वहां उनके गार्डन में से एक गुलाब उठाकर लाएं और मुझे दें। गुलाब उस समय उगते नहीं थे, वो समय भी नहीं था, फिर भी ये महिला गई उनके गार्डन में। एक ही पौधा, एक ही गुलाब, इतना अच्छा चमकता हुआ उस महिला ने उठाकर लाकर संत रीता को दिया। यानी ये महिला जो साधारण महिला नहीं थी, संत महिला थी। जो कुछ वो ईश्वर से मांगती थी, ईश्वर उसे देता था। आज जब हम उनका पर्व मनाते हैं, मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में कितने ही कष्ट संकट क्यों ना हो, ईश्वर में आस्था आप ना खोए। संत रीता निर्दयी क्रूर शराबी पति के हाथ में हर दिन यानी कम से कम 20 साल वो कष्ट सहती रही, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया।
ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसका पति का मन परिवर्तन हुआ। आपके परिवारों में बहन परेशान है, आप पत्नी होकर अपने पति से परेशान हो, चिंतित मत रहो। आप संत रीता के मध्यस्थता से जो भी प्रार्थना करेंगे, असंभव को संभव करने वाली ये संत आपके परिवार के लिए एक वरदान है। इनके द्वारा प्रार्थना कीजिए। आइए मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे शाश्वत और प्रेमी पिता, आपने हमें बनाया और हम आपके ही हैं, लेकिन हमारे स्वार्थ और घमंड के कारण हम कहीं ना कहीं आपको भूल चुके हैं। संत रीता के मध्यस्थता से हमारी प्रार्थना यही है, जो महिलाएं पुरुषों के हाथों में संकट या कष्ट सहती हैं, हे प्रभु संत रीता के मध्यस्थता से उन्हें राहत मिले, उनके परिवारों में शांति मिले, उनके पति या सताने वालों का मन परिवर्तन हो जाए। आमीन।